जब ये 2.5 साल का था तब मालूम हुआ कि इसको हेयरिंग लॉस है। और जगह जगह हर तरफ पूरे हिंदुस्तान में जितने डॉक्टर्स अवेलेबल थे सबसे कंसल्ट किया तो मालूम हुआ कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जिस समय ये 2006 में 8th स्टैंडर्ड में था तो हमारी सोसाइटी के अंदर एक बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया, तो उसमें इसने खेलना शुरू किया तो इसको लगा कि इसके अंदर टैलेंट है और मैंने भी इसको देखा कि ये पिक कर सकता है, तो इसको आईजी स्टेडियम में बिगनर्स में इसको एंट्रेंस दिलवाई, इसको हमने लखनऊ भेजा। लखनऊ में टॉम जॉन के अंदर ट्रेनिंग शुरू हुई। हेयरिंग लॉस है, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, इसलिए इसको ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता था। कम्युनिकेशन गैप होता था कि कोच को क्या बताऊं और कोच क्या समझाएगा, तो वो उस मामले में अपना टारगेट अचीव करने के लिए काफ़ी परेशानी होती है। इंटरनेशनल गेम्स में जिस समय ये खेल रहे होते हैं कोच या मैनेजर्स वगैरह इस बात का ध्यान नहीं रखते कि ये किस कंडीशन में खेल रहे हैं तो इनको क्या फैसिलिटी मिलनी चाहिए। 2007 में इसके डेफ के नेशनल गेम्स हुए, उसमें इसको मिक्स डबल में गोल्ड मेडल मिला। 2009 में ये बेस्ट फोर इन इंडिया डेफ में आ गया। बेस्ट फोर में आने के बाद इसको चांस मिला ताइपाई जाने का ओलंपिक खेलने के लिए।